न्याय की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन। बसपा चेयरमैन प्रत्याशी अंजू चौधरी के समर्थन में बैठा गांव पुलिया पर सर समाज द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें सर समाज के लोगों ने हाथ खड़े कर अंजू चौधरी का समर्थन किया। लोगों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से इलाके का कुछ विकास नहीं किया, इस बार वह सरकार बदलना चाहते हैं। इसके लिए अंजू चौधरी हमारे लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। हमारा समर्थन अंजू चौधरी को ही रहेगा। जनता का जो जनसैलाब है उससे ये प्रतीत होता है और उससे ये साबित हो चुका है कि अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी कहीं लड़ाई में नजर नहीं आएगा। ऐसा माहौल आज क्रिएट हुआ है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, माननीय बहन जी ने सोच समझ करके बड़ी अपने निगरानी में उनको चयनित किए हैं, उनको टिकट दिए हैं और सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इससे तमाम जो इस तरह के भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो उनके नेता हैं, उनका अब अंत आ चुका है। अब 26 तारीख के बाद आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। इस क्षेत्र में तो छोड़ो, इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वो भ्रष्टाचारी अब यहाँ से साफ हो जाएंगे। बहुत भारी सपोर्ट मिल रहा है जहाँ भी हम जा रहे हैं। हमने 100 से लगभग सभाएं की हैं अभी तक और उनमें जन सैलाब का आंधी से आ रही है, भीड़ से मंद रही है क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं भाजपा से, क्योंकि भाजपा से यहाँ 10 साल से भाजपा के ही चेयरमैन थे और यहाँ ना नाली है, ना खरंजा है, ना डिग्री कॉलेज है, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है, मतलब कुछ तो ठीक नहीं है। 10 साल से बीजेपी सरकार है, यहाँ पर बीजेपी चेयरमैन बने हैं पर मुझे कोई विकास तो लगता नहीं है। जो ये विकास पुरुष बताते हैं क्या विकास हुआ है, यहाँ पर हमें कोई विकास नहीं लगता। ये 2-4 खड़ंजे नालियाँ बनवाने से तो विकास नहीं होता। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, सैकड़ों की संख्या में कुर्सियों पर बैठे ये सर्व समाज के लोग हैं जो अंजू के सम्मान में बैठे हैं। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते मंच के माध्यम से सूरज चौधरी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। 10 साल भाजपा का राज होने पर भी इलाके का विकास नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी को लाए और फिर जो है ना जो भी काम होगा मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हाथी के, और मैं जो है ना सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हाथी के चुनाव चिन्ह पर 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को हाथी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाए और मुझे विजय बनाए। और फिर मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और करना चाहती हूँ। अभी जाती हूँ, जिस मीटिंग में अभी तक गई हूँ, मैंने करीबन 30-35 मीटिंग की है तो मुझे बहुत सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। पानी निकासी क्योंकि लोनी सबसे प्रॉब्लम है, लोनी में पानी निकासी की, जब भी कोई बारिश वगैरह हो जाती है तो पानी ऐसा भरा रहता है कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता यहाँ पे हम निकल पाते हैं। और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन अब आप लोग आए होंगे, आपने देखा होगा गली गली में कितना पानी भरा हुआ है, ना तो नाली के सिस्टम ठीक है। तो एक तो प्रॉब्लम पानी निकासी की है, फिर रास्तों की तो प्रॉब्लम है ही है। हमारे वर्तमान चेयरमैन ने जितने भी ये रास्ते बनाए हैं यहाँ पे, ये इंटरलॉकिंग ईंटों के रास्ते बनाए हैं और इसमें इंटरलॉकिंग ईंटों के ऐसे रास्ते बनाए हैं इनकी कोई क्वालिटी नहीं है। क्योंकि क्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद की अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। जब इन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई हुई हैं तो क्या ये विकास का काम करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये रहेगा कि इंटरलॉकिंग ईंटें ना लगा के और अब की बार नगर पालिका से जितने बजट इंटरलॉकिंग ईंटों में आता है कोई रास्ता बनाने के लिए, बजट में तो हमारा सीसी रोड ही बन जाता है और हम प्रयास ये बार सीसी रोड ही बनाए। हमें जनता ने हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने हमें इस लाख बनाया कि हम उन्हों की सेवा कर सकें। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि हम लोगों का मानना है कि इस बार मोदी और योगी लहर नहीं चलेगी। जनता समझदार हो गई है, वह सोच समझकर अपना नेता चुनेगी। जो विकास करेगा वही राज करेगा। उनकी उम्मीद बसपा की अंजू चौधरी से है। गीता वर्मा, तेज निगाहें, लोनी, गाजियाबाद।